उपजा के क्षेत्र में टीवी बांध परियोजना के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। टीवी बांध की महत्वाकांक्षी पंप स्टोरेज प्लांट परियोजना की 250 मेगावाट की एक यूनिट टीएचडीसी, जेई और अन्य सहायक इकाई कंपनियों के इंजीनियरों ने राष्ट्रीय ग्रिड के साथ जोड़ दिया है। अगले एक सप्ताह के भीतर ये यूनिट पूरी तरह से बिजली उत्पादन शुरू कर देगी। इस बीच टेस्टिंग सहित अन्य तकनीकी कार्य यूनिट और ग्रिड के बीच ऑपरेशनल किए जाएंगे। इस परियोजना की दूसरी यूनिट को अगले साल जनवरी तक कमिश्निंग कर दिया जाएगा। 2025 के अंत तक पीएसपी की सभी चारों यूनिट 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन का राष्ट्र को ऊर्जा के क्षेत्र में सबल बनाएंगी। ये परियोजना को जो हमने पूर्ण किया है वो इससे एक बड़ी खुशी की लहर सब ऊर्जा क्षेत्र में जितने भी विभाग हैं उनके जितने भी लोग उससे संबंधित हैं सबके अंदर पहुंच गई है, क्योंकि ये बहुप्रतीक्षित परियोजना थी जहाँ पे बहुत दिनों से कई वर्षों से इसका इंतज़ार था और इसके पूरा होने से एक युग की शुरुआत हो रही है हमारे देश में कि जो बड़ी पीएसपी की परियोजनाएं हैं उनकी अब उनका क्रियान्वयन जो है वो बहुत तीव्र गति से किया जा सकेगा। सर ग्रिड से अब जुड़ गया है, ऐसे में सर अब विद्युत उत्पादन कब से स्टार्ट होगा सर? इसमें विद्युत उत्पादन तो कल हमने जैसे ही ग्रिड से शुरू किया है और जो आगे की अब टेस्टिंग भी चलेगी उसमें भी विद्युत उत्पादन होता रहेगा और वो ग्रिड को बिजली सप्लाई होती रहेगी, लेकिन पूर्णतया इसको स्टेबल करने में लगता है 10 से 12 दिन का समय लग सकता है जब ये पूरी कैपेसिटी पे अपनी जो है विद्युत उत्पादन करेगी। इसका जो दूसरा मोड होता है पंप मोड जिसके लिए विशेष कर ये परियोजना बनी है उसको पूरा करने में 45 से 50 दिन का और समय लगेगा, लेकिन ये विद्युत उत्पादन का कार्य जो है वो अब